फेस भी बचा, फेस पे बचाव हो गया अपना, दिखाओ एक बार, इधर दिखाओ इस तरफ। ओहो कान भी सारा चल गया, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा भैया। नुकसान बहुत ज़्यादा, मतलब आपको हानि पहुँची है। 68% जला हुआ था, पूरी बॉडी जली हुई, मतलब पूरी बॉडी में से 70% जला हुआ है। नमस्कार भैया, इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मेहनत करके कमा रहा हूँ। हाँ इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं भीख नहीं मांगता, मेहनत करके कमाता हूँ। कुछ लोग क्या है, जब रेड लाइट पे हम रुकते हैं ना, तो कुछ लोग आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए, तो लोग खुश होंगे देखकर कि भाई बड़ा मेहनती है, मेहनत करके कमाता है, भीख नहीं मांगता। अब मेरे को पहले ये बताओ, मैं बड़ा दुख से देख रहा हूँ कि आपके हाथों में क्या हुआ भैया। मैं बड़ी गाड़ी को अपना, मतलब अभी भी सारी गाड़ियाँ चलाता हूँ। अच्छा, मेरे हाथ देख के ना मुझे गाड़ी नहीं, तो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू वाल्वो वगैरह सारी गाड़ियों का ये हुआ कैसे, दिखाओ एक बार अच्छे से। पूरा जल गया। ओहो कैसे भैया। मैं विशाखापट्टनम से ट्रांसफार्मर 220 टन का ट्रांसफार्मर गाड़ी में लोड करके कटरा आ रहा था, कटरा के लिए लेके आ रहा था। मेरी बम्बई तक की ड्यूटी थी। ओके, तो मैं गाड़ी लेके जब कर्नाटक बॉर्डर पे, हमें रोड परमिशन नहीं थी गाड़ी आगे लेने जी, लेकिन हमने क्या कर दिया था कि 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी और 15-20 दिन के बाद मेरी शादी थी जी, मतलब थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह। शादी थी 15 दिनों बाद शादी थी आपकी, तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप। विशाखापट्टनम से बॉम्बे के लिए, विशाखापट्टनम से मुंबई आ रहे थे। किसकी गाड़ी लेकर। एक मैन करके कंपनी थी, ट्रक चलाते थे उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो ओवरहेड था, 11,000 वोल्टेज की तार रहती है ना जी, उसको ट्रांसफार्मर टच हो गया। क्या टच हो गया। ट्रांसफार्मर गाड़ी। ओहो, जैसे वो टच हो गया वो ब्लास्ट हो गया। गाड़ी जिस गाड़ी में बैठे थे वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई। पूरा सारे हाथ जल गए। जिसके लिए काम करते थे उसने इलाज नहीं कराया आपका। जो कंपनी ने मतलब पहले तो इलाज करवा दिया, बाद में प्लास्टिक सर्जरी वगैरह मैंने इधर दिल्ली में आके, वैसे मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। किसी ने मदद नहीं करी आपके, आपके मालिक ने या कंपनी। केस चालू है। अच्छा, मतलब जिस ट्रक में बैठे हुए थे आप, वो ट्रक चला ही रहा था। और ट्रक चला रहे थे, चलते चलते तार लग गई, चलते हो गए तार टच हो गई। ओ तेरी, पूरा ट्रक ब्लास्ट हो गया। लाइन चालू थी और ट्रांसफार्मर में ऑयल रहता है ना, तो उसमें इधर ट्रेन की इंजन, पूरी बॉडी भी जल गई होगी आपकी। तो आधी चेस्ट है। फिर अब कैसे, अब तो आपके हाथ फ्लैप ले, एक फ्लैप यहाँ से निकाल के लगा दिया है। क्या निकाल के लगा दिया, यहाँ से ना मांस निकाल, हाँ मांस निकाल के यहाँ लगा दिया आप। चलो परमात्मा ने बचा लिया भैया, ये बहुत बड़ी बात है। आप बता रहे हो जब ये हादसा हुआ तो शादी हो गई, फिर आपकी अब शादी कैंसिल कर दी लड़की वालों ने। 2 साल तो हॉस्पिटल में ही रहा, तो उसके बाद मैं अभी यहाँ पे आके ना सब जन मांगते, लेकिन मुझे मांगने की आदत नहीं। क्या काम करते फिर भैया। कबाड़ा बेचते हो, बोतल वगैरह रहती है ना वो बोरे में डाल के देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और पैरों में भी चोट लगी है। पैरों में नहीं, पैर एकदम सही। ये तो भैया बिल्कुल ही आपकी हिम्मत है। आप जो और अभी भी कौन सी भी गाड़ी सर दे दो, कौन सी भी बाहर देश की या कौन सी गाड़ी, अभी भी चला लोगे। अभी भी सारी गाड़ियाँ चलाते, लेकिन लोग नौकरी, मतलब कंपनी नौकरी इसलिए नहीं देती कि आपको हाथ देख के नौकरी नहीं देती। बड़ी से बड़ी गाड़ी चला लेते हो सारी गाड़ी। तो जैसे अभी आपके हाथ काम नहीं कर रहे तो कैसे चलाओगे आप। अच्छा गाड़ी चला लोगे, अभी भी अगर गाड़ी का मौका मिला तो गाड़ी चला लोगे। लेकिन आपकी उंगली तो काम नहीं कर रही भैया। काम तो करती है वो वाली उंगली। अच्छा रिस्की नहीं होगा भैया गाड़ी चलाना। कितना एक्सपीरियंस आपके पास। मैं सर उम्र की 13 साल से गाड़ी ड्राइविंग सीखा। 13 साल हो गए। उम्र की 13 साल से गाड़ी चला रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मेरी उम्र 30 साल है। कितनी उम्र है भैया आपकी। 30 साल। अच्छा अच्छा, तो शादी नहीं हो रही आपकी। शादी नहीं, अम्मा के साथ ही रहता हूँ। तो सोते भैया बाहर रोड पे सोते हो, तो ठंड नहीं लगती आपको। फेस भी बचा, फेस पे बचाव हो गया अपना, फेस दिखाओ एक बार,
इधर देखो इस तरफ। ओहो पान भी सारा चल गया। लेकिन सुनाई नहीं वगैरह देता भैया, नुकसान बहुत ज़्यादा, मतलब आपको हानि पहुँची है। 68% जला हुआ था पूरी बॉडी, जली हुई मतलब पूरी बॉडी में से 70% जला हुआ है। अच्छा मेरी आपसे ना हाथ जोड़ के विनती है, कभी भीख मत मांगना। पहली चीज़ तो मेहनत करके कमाना। ये जो सामान होता है ना भैया, जैसे ये आपको मार्केट का बता दूंगा मार्केट कहाँ पे है, पैसा भी अच्छा कमा लोगे और अपनी जो माता जी आपके बुजुर्ग पीछे बैठी है उनको भी अच्छा खिला भी दोगे आप। ये बोलना भैया मार्केट से 90 रुपये की आती है, 120 की बेच लो या 150 की बेच लो, बिक जाएगी भैया, समझ गए ना। एड्रेस दे दूंगा आपको मैं कहाँ पे दुकान है, वहाँ से सामान लाओ तुरंत बिका करेंगे भैया। और जब ये लोगों को दिखाओगे ना, जो गाड़ी रुकेगी रास्ते में, तो आपसे लोग सामान लेंगे, मना कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा इंसान बहुत मेहनती है, मेहनत करके कमाता भैया। बाकी परमात्मा भरोसा रखो भैया, शादी भी जल्दी हो जाएगी आपकी और सारे काम भी अच्छे। यही मेरी 4 बच्चे भाई बहन है। अच्छा चार भाई बहन हो आप, चलो भैया लो भैया, ये मेरी तरफ से प्यारा सा तोहफा है आपको। थैंक यू सर, वेलकम सर। इंग्लिश आती है आपको बोलनी? अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो? हाँ थोड़ी बहुत समझ लेते हो आप? समझ पूरी लेता हूँ। समझ गए ना, दुकान का एड्रेस लिख के दे देता हूँ या बता देता हूँ आपको, वो नोट कर लेना आप। हाँ लिख के दे देता हूँ। वैसे हम ना एक बड़े भी लेके आते हैं। हाँ मेहनत करके कमाना अच्छा लगता है भैया। पर ये जो बच्चे आपके साथ घूम रहे हैं ना, इनको भी कोशिश ये करा करो भीख मत मांगने। हमारे तो मांगते नहीं, जो भी है मतलब आप कभी देखो ना, जो भी है जब जो भी है दिखता है आपको आस पास में, तो उसको मना करो भीख मांगने के लिए। भीख मांगेंगे जिंदगी खराब कर लेंगे भैया। पढ़ाई करेंगे या मेहनत से कमाएंगे तो अच्छा रहेगा भैया। मेरी तो कोशिश यही रहती कि इनको पढ़ाने की, लेकिन ना उतनी इनकम भी नहीं होती। कबाड़ा दिन लेता हूँ, दिन में कबाड़ा ज्यादा 200-250 रुपए का कबाड़ा। चलो चिंता ना करो, परमात्मा में ध्यान दो भैया, आप हार मत मानना। जैसे आपने हिम्मत दिखाई है ना, अभी सनी आ रहा, सनी आ रहा। हाँ जैसे आपने अभी हिम्मत दिखाई है वैसे हिम्मत दिखाई रखना, हार मत मानना भैया। हार तो नहीं मानना, बस परमात्मा ने जिंदगी दिया ना तो कुछ सोच के दी है और अच्छा करेगा भगवान। चलो भैया आपके लिए मुझे एड्रेस वो लिख के। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।